सर प्रिय विद्यार्थी हूँ, मैं भूपेंद्र यादव आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसमें भी आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, इंट्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री का और एनिमल का, इन दोनों का हम आज इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट आज पढ़ेंगे हम इसमें, जैसे कि हमारे सारे एनिमल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन सारे एनिमल्स का हम रेयरिंग करते हैं, इन सारे एनिमल्स को हम पालते हैं। तो इस एनिमल हस्बेंड्री में हम दो शब्द देखते हैं, एनिमल और हस्बेंड्री। और उस एनिमल हस्बेंड्री का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो रहेगा एनिमल एनाटॉमी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, पशु शरीर रचना और उसका जंतु जगत में वर्गीकरण। अब एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, डिस्कस करें हम, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। क्वेश्चन राइज, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री को जानने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, टू वर्ड्स आएंगे हमारे सामने और वो दो शब्द कौन कौन से आएंगे, जिसमें पहला आएगा एनिमल्स। अब हम व्हाट एनिमल्स, किन एनिमल्स कहे हैं, तो सारे रेयरिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑल रेयरिंग डोमेस्टिक एनिमल्स कंसिडर्ड एनिमल्स। लाइक देखेंगे हम, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स में यस जितने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। काउ, बफेलो, सीप, मॉड, पीक, कैमल, हॉर्स, पिग्स एक्सेट्रा। इसके अलावा भी वो सारे एनिमल्स जिनका हम रेयरिंग करेंगे, वो सारे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा टू वर्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट वर्ड इज एनिमल, विच एनिमल, कौन कौन से एनिमल होंगे, तो सारे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स जिनका हम रेयरिंग करेंगे वो सारे हमारे आ जाएंगे, जैसे काउ, सीप, बफेलो, गोट, हॉर्स, कैमल, पीक एंड पोल्ट्री। Another word is husbandry. What meaning by husbandry? So meaning of husbandry concerned two words and management of domestic animals. Husbandry concerned management of domestic animals. What management? Management are two important things in our dairy farm. First, expenses. Expenses number one is feeding, breeding, healthcare, housing and disease. There are expenses in our dairy farm. First of all, feeding. Second, in breeding. Third, healthcare. Fourth, housing. And number five, disease. Thus are expenses in our dairy farm. Must requirement in any dairy farm, in any farmer. अगर हम किसी dairy farm पर देखें, तो किसी भी पशुपालक के सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है, वो feeding है। क्यों है feeding? क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसेस होगा, मोर एक्सपेंसेस होता है, लाइक 60-70% एक्सपेंसेस आर गोइंग टू फीडिंग फॉर एनिमल्स। जस्ट इमेजिन यू हैव 100 रुपीज, सो 60-70 रुपीज आर एक्सपेंसेस इन फीडिंग। हम ऐसे कहें कि हमारे पास 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए में से हम 60-70 रुपए किस पर खर्च कर देंगे, फीडिंग पर, आहार पर कर देंगे। तो फीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन dairy farming and animal rearing. So question rise in exam, what percent expenses in feeding? The right answer is 60-70%. Okay dear student, and second thing, breeding. For improved breeds required in our dairy farm for maximum production, kisi bhi dairy farm par उन्नत नस्लों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्नत जो इंप्रूव ब्रीड्स होगी वही हमारे डेयरी को एक बृहद स्तर पर, एक लार्ज स्तर पर सक्सेस दिला पाएगी। तो सेकंड थिंग ब्रीडिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड चीज हेल्थ केयर, अगर हमने फीडिंग भी अच्छा दे दिया, ब्रीडिंग भी अच्छा है, लेकिन हमने उसका हेल्थ केयर नहीं करा, उसके हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो वह पशु या वह एनिमल्स उतने अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और हमारा जो एक्सपेंसेस वो व्यर्थ चला जाएगा। फिर हाउसिंग,
उसके रेयरिंग के लिए, उसको रहने के लिए जो केटल सेट होगा वो भी हमें बेस्ट क्वालिटी का केटल सेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लास्ट इज अ मोर चैलेंजिंग एस्पेक्ट इन एनी फार्मर इन डेयरी फार्म्स, बट व्हाई? सो ऑल दिस टाइम मैनेजमेंट वी कीप ग्रोइंग केयरफुल, बट डिजीज होने से हमारे पशु किसी भी अवस्था में कभी भी बीमार हो सकते हैं और उस बीमारी के कारण जो हमारा डेयरी फार्म है वो नष्ट हो सकता है। जैसे कि हम पोल्ट्री की बात करें, मुर्गी पालन की बात करें, तो वहां पर एक छोटा सा डिजीज भी बहुत ड्रास्टिक चेंज लेकर आता है, इसलिए डिजीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। दीज आर आवर एक्सपेंसेस इन एनी डेयरी फार्म। फर्स्ट feeding, second breeding, third health care, fourth housing, and fifth disease. And we are going to expenses. तो जब हम इतने expenses कर रहे हैं तो definitely हमें यहाँ से production मिलेगा, outputs मिलेगा। जब हम यहाँ पर inputs लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें यहाँ से production या output मिलेगा। और जो production या output निकल कर आएगा तो first जो mainly major production होता है वो होता है milk। फर्स्ट जो मेजर प्रोडक्शन हमें एनिमल से गेटिंग होगा वो होगा मीट। सेकंड अगर हम देखें मीट के बाद आता तो मीट, एंड मीट के बाद अगर हम देखें तो फूल एंड पेल्ट है। इट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट गेटिंग बाय एनिमल्स। ये हमें पशुओं से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण उत्पाद है, प्रोडक्शन है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहला प्रश्न तो ये बनता है पशुओं से हमें सर्वाधिक आय इनकम के रूप में किससे मिलता है। तो मैक्सिमम इनकम जो जनरेट होता है वो मिल्क प्रोडक्शन से होता है। एनिमल्स से मैक्सिमम इनकम जो जनरेट होता है वो किससे होता है, तो जो मैक्सिमम इनकम जनरेट होता है एनिमल्स से वो होता है मिल्क से। व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत हमें दूध उत्पादन से इनकम जनरेटिंग होगा, तो आवर आंसर इज 70%। हमारा उत्तर होगा 70% जो आय होगी, 70% इनकम होगा हमें किससे मिलता है, मिल्क से। सेकंड क्वेश्चन राइजिंग ट्विस्ट, अगर प्रश्न की भाषा बदल दी जाए, प्रश्न में यह बोल दिया जाए कि हमें फॉरेन इनकम, विदेशी आय, फॉरेन इनकम सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होती है, तब हमारा उत्तर बदल जाएगा। तो फॉरेन इनकम जो जनरेटिंग प्रोडक्ट है वह है मीट, मांस। फिर एक और ट्विस्ट है यहाँ पर, और इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, आपसे पूछा जाए कि एनिमल्स से हमें कौन सा प्रोडक्ट वैल्यूएबल प्राप्त होता है, कीमती उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो कीमती उत्पाद शब्द जब लगता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट, तब हमारा आंसर बदल जाएगा, एंड जब हमारा आंसर होगा पेल्ट या चमड़ा। तो तीन प्रश्न अलग अलग तरीके के, इन्हें ध्यान रखना है। पशुओं से मैक्सिमम इनकम किससे मिलती है, तो जब मैक्सिमम इनकम की बात हो तो हमारा आंसर आएगा मिल्क प्रोडक्शन। और काउ और बफेलो का हम रेयरिंग मूलतः बेसिकली किसके लिए करते हैं, मिल्क रेयरिंग के लिए करते हैं। ठीक, यहाँ से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि हम गोट का रेयरिंग लार्ज स्केल पर किस प्रोडक्शन के लिए करते हैं, तो हमारा आंसर उस समय होगा मीट, एंड मीट प्रोडक्शन लगाना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जो गोट होती है उसका रेयरिंग हम लार्ज स्केल पर मीट प्रोडक्शन के लिए करते हैं, नॉट फॉर मिल्क। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आया था तो सभी ने मिल्क का प्रोडक्शन लगाया, गुड थिंग, गॉड हमें देती है मिल्क, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न में अगर इस तरह से आता है तो गॉड का जो रेयरिंग होता है लार्ज स्केल पर वो किस लिए होता है, तो होता है मीट के, इस चीज को हमें ध्यान रखना। फिर तीसरा क्वेश्चन, अभी हमने चर्चा की थी वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो गेटिंग होता है एनिमल्स से वो होगा पेल्ट। इन इंडिया में कौन सा स्टेट है, विच स्टेट इन इंडिया लीडिंग इन पेल्ट प्रोडक्शन, दैट इज तमिलनाडु। भारत में तमिलनाडु राज्य सबसे ज्यादा चमड़े का उत्पादन करता है। एंड हम वर्ल्ड सीनियर की बात करें, विश्व स्तर पर बात करें कि चमड़े का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, तो वर्ल्ड लेवल पेल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इज ए पाकिस्तान, इस चीज का हमें ध्यान रखना। फिर और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इन जनरली और इंडियन कंट्रीज में बात करें, इंडिया की बात करें, इंडियन कंट्रीज में तो फार्म का जो स्ट्रक्चर होता है, स्वरूप होता है, वो स्मॉल यूनिट्स में होता है।
फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर जो डेयरी फार्म होते हैं वो लार्ज स्केल पर होते हैं, लार्ज स्केल पर डेयरी फार्म्स डेवलप किए जाते हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो डेयरी फार्म होते हैं वो स्मॉल यूनिट्स में होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स फार्मर्स रेयर नहीं करते। तो हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है एनिमल का वो है स्मॉल यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट 4 to 5 क्वेश्चन इन दिस स्लाइड। यहाँ पर हमने 4 से 5 क्वेश्चन चर्चा किए जो कि आपसे परीक्षा में पूछे गए। 2 शब्द होते हैं, 2 वर्ड्स कंसीडर किए जाते हैं, पहला एनिमल, सेकंड हस्बेंड्री। व्हाट एनिमल? देयर आर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होंगे? तो काउ, बफेलो, सी, गोट, पीग, हॉर्स, पोल्ट्री, पिग्स। किस स्तर पर कार्य होता है? तो याद रखना स्मॉल यूनिट्स पर कार्य होता है। फिर हस्बेंड्री शब्द की बात की तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट करते हैं, किनका? डोमेस्टिक एनिमल्स का मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट किन टर्म्स पे होता है? 2 टर्म्स पे, 2 चीजों पर ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, क्या क्या एक्सपेंसेस लगाने होंगे? तो फीडिंग, ब्रीडिंग, हेल्थ केयर, हाउसिंग और विजिट। सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस किस पर होता है? मोर एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस, सबसे ज्यादा खर्च होने वाला खर्च पशुशाला में है। तो आंसर आएगा फीडिंग, कितना प्रतिशत? तो याद रखना है 60 से 70%। फिर जब हम इतने इनपुट्स लगाएंगे तो हमें आउटपुट्स के रूप में क्या क्या मिलेगा? तो मिल्क होगा मैक्सिमम इनकम जनरेटिंग 70%। फिर गोट का रेयरिंग मीट प्रोडक्शन के लिए करते हैं। वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स आए तो पेल्ट होगा, चमड़ा होगा, याद रखना है। और इंडिया में सबसे ज्यादा पेल्ट का प्रोडक्शन करने वाले स्टेट तमिलनाडु, ठीक। उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर आता है तो पाकिस्तान। कितनी चीजें हमें इस स्लाइड से क्लियर होगी? तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट के 2 वर्ड में होते हैं एनिमल, हस्बेंड्री, ये क्लियर। अब हम बात करेंगे जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, किसी भी पशु की अगर हम बात करें तो उसको जंतु जगत में उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके लिए 7 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। उन 7 स्टेप्स में हम 1 by 1 देखेंगे। फर्स्ट स्टेप आएगा हमारा इसमें किंगडम, और किंगडम होगा इट इज एनिमेलिया। अब एनिमेलिया का मीनिंग क्या होगा? तो एनिमेलिया का मतलब है यहाँ पर इसमें सारे हेटरोट्रॉप्स एनिमल आएंगे। हेटरोट्रॉप्स शब्द का मतलब क्या हुआ? 2 तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉप्स एक हेटरोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हम भी हेटरोट्रॉप्स हैं, कहीं ना कहीं हम भी आश्रित है खाने के लिए। उसी प्रकार से एनिमल्स भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब जब क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए हम भोजन नहीं बना पाते। उसी तरह से पशु भी अपना भोजन नहीं बना पाते। तो जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं वो सारे एनिमल्स इस किंगडम में आएंगे, एनिमेलिया। और इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यह प्रश्न भी कई बार आपके एनपीपीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में पूछा गया है। क्लासिफिकेशन की लार्जेस्ट यूनिट, क्लासिफिकेशन की लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है? तो हमें बताना है किंगडम, या किंगडम में नाम पूछे तो एनिमेलिया। सेकंड होगा फाइलम। और फाइलम कौन सा होगा? तो फाइलम कॉर्डेटा होगा। कॉर्डेटा फाइलम क्यों होगा? क्योंकि जिनके भी पास बैकबोन होती है, वर्टिब्रीज होते हैं, वो सारे को जिस फाइलम में रखा जाता है वो फाइलम होगा कॉर्डेटा। जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबको कॉर्डेटा में रखा गया है, कॉर्डेटा में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कॉर्डेटा में? अगर हम कॉर्डेटा की बात करें, तो कॉर्डेटा में रखने के पीछे जो कारण है, इन कॉर्डेटा की अगर हम बात करेंगे तो कॉर्डेटा में जो हमारे एनिमल्स होंगे उन एनिमल्स को कॉर्डेटा में रखने के पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि इनके पास इस तरह से कशेरुक दंड या नेहरू दंड जिसे हिंदी में बोला जाता है, और इस बैकबोन से ही रिब्स निकली हुई होती है। तो इस तरह से वर्टिब्रीज का बना हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर के कारण ही सारे क्वाड्रेंट्स वाले एनिमल्स या बैकबोन वाले एनिमल्स इस फाइलम में आएंगे, वो फाइलम होगा कॉर्डेट। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। फिर क्लासिफिकेशन के अगर हम अगली इकाई देखें
तो आएगा इसमें फाइलम के बाद आएगा हमारा क्लास, और क्लास होगा इनका मेमेलिया। अब इनको मेमेलियंस में क्यों रखा है, क्योंकि इनके पास होती है मेमोरी ग्लैंड्स। अब मेमोरी ग्लैंड्स का क्या रोल होता है, मेमोरी ग्लैंड्स स्कल ऑफ यंग एनिमल, अर्थात मेमोरी ग्लैंड्स से मिल्क सेक्रेट होता है और वो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाने का कार्य करती है। अब जिनमें भी मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है सारे मेमोरी ग्लैंड्स किस क्लास में रखे जाएंगे, थे मेमेलिया। जिसमें भी मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाएगी वो सारे किसमें रखे जाएंगे, मेमेलिया। एक और खासियत है मेमेलियंस का जो ब्लड होता है वो बार में होता है। और फोर्थ यूनिट होगी हमारी ऑर्डर, और ऑर्डर होगा अंगुलेटा। तो अंगुलेटा ऑर्डर में क्यों रखा, क्योंकि जितने भी हूप्ड एनिमल है वो सारे पीस ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं अंगुलेटा, तो उनका ऑर्डर होगा अंगुलेटा। अब फूलों की संरचना देखे, हूप्ड का स्ट्रक्चर देखे, तो यहाँ दो प्रकार के हूप्ड निकल कर आएंगे, और दो प्रकार के हूप्ड होने के कारण टू सब ऑर्डर का निर्माण होता है। अब दो सब ऑर्डर कौन कौन से जनरेट होते हैं तो हम देखेंगे इन ऑर्डर्स के बाद आएगा सब ऑर्डर। फर्स्ट और सेकंड टाइप से बताया गया है, तो फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा आर्टियोडेक्टाइला, ह्यूमन हूप्ड। अब आर्टियोडेक्टाइला की बात करें, ह्यूमन हूप्ड अर्थात इसमें जो एनिमल होंगे उनका जो खुर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ह्यूमन हूप्ड की बात करें तो इनका जो खुर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि दो बराबर भागों में आसानी से बटा होगा, दो बराबर भागों में आसानी से बटा होगा, दो बराबर भागों में जो बटा होगा वो कहलाएगा इवन हूप्ड, आर्टियोडेक्टाइला। आर्टियोडेक्टाइला की हम बात करें इवन हूप्ड, तो इनमें जो हूप होता है वो दो बराबर भागों में डिवाइड होता है, वन एंड टू। और टू से अगर मैं आपसे पूछूं कि वन और टू में अगर पूछूं कि कौन सा इवन नंबर है, तो आप बोलेंगे टू इज अ इवन नंबर। सो याद रखने के लिए इजी हो गया, इवन हूप्ड मतलब टू, इसको हिंदी में हम समपुरी भी कहते हैं। अब आर्टियोडेक्टाइला की हम बात करें तो इसमें हमें देखने को तीन परिवार मिलेंगे, जो अभी हम देखेंगे। आर्टियोडेक्टाइला के सिमिलरली हमारा अगला ऑर्डर है पेरिसोडेक्टाइला। ये सारे क्या होंगे, नॉन रुमिनेंट होंगे, और नॉन रुमिनेंट होने के साथ साथ इनकी अगर हम बात करें तो यह ओड हूप्ड वाले होते, अर्थात इनमें जो खुर होगा वह खुर होगा वो एक ही होता है, इनमें जो खुर होता है वह एक ही होता है, इनमें खुर जो होगा वो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होता, तो याद रखना है, ठीक। अब हम आर्टियोडेक्टाइला की बात करें तो इसमें हमें थ्री फैमिली देखने को मिलेगी, और फैमिली नंबर वन जो आएगा वह पोइडी। पोइडी फैमिली अगर हम आगे बात करेंगे, तीन फैमिली देखेंगे, सेकंड स्वीडी एंड थर्ड कैमेली, तो ये थ्री फैमिली कंसिडर की जाती है आर्टियोडेक्टाइला। अब पोइडी फैमिली की अगर हम बात करें तो पोइडी फैमिली के जितने भी एनिमल्स हैं ये सब रुमिनेंट्स होते हैं, इनमें फोर स्टमक पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड स्टमक होते हैं, और इनमें गॉल ब्लैडर भी पाया जाता है। और एक चीज जो इनके हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, वो ब्रांचेस वाले नहीं होते, सिंगल हॉर्न वाले होते हैं। आप कभी भी गाय भैंस भेड़ बकरी को देखोगे तो उनके सिंग इस तरह से ब्रांचेस नहीं होंगे, सिंगल एक ही हॉर्न होगा फिर दूसरा हॉर्न होगा, तो उनमें शाखाएं नहीं होती, और ये रुमिनेंट्स होते हैं, इसका ध्यान रखना। अब हम ओइडी की अगर बात करें तो इसमें चार जीनस हमें देखने को मिलेंगे। पहला होगा बॉस, जिस बॉस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे सारे केटल्स आ जाएंगे, देसी गाय, इंडियन काउ, फॉरेन काउ, फिर यॉर्क, गया इत्यादि सारे के सारे हमारे कैटल्स इसमें आ जाएंगे, बॉस में आएगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉस में इंडियन काऊ का जूलॉजिकल नेम, तो हमें बताना बॉस इंडिकस, देसी काऊ का तो बॉस इंडिकस, जेबू की काऊ तो भी बॉस इंडिकस, इतने सारे नामों से किसे जाना जाता है, हमारी देसी गाय को। फिर पूछा जाए बॉस में फॉरेन काऊ का, जिसमें कुबर या टाट नहीं पाया जाता, हम्प लेस होती है, और हम्प लेस काउ का जूलॉजिकल नेम है बॉस टारस। एंड देन आपसे पूछा जाए जंगली गाय या नील गाय, तो इसका जूलॉजिकल नेम है बॉस गारस। फिर हमसे पूछा जाए यॉर्क, तो बॉस ग्रुनियंस, एंड गया बॉस फ्रेंटिकस। तो याद रखना ये सारे जूलॉजिकल नेम वाले जितने भी कैटल्स हैं वो बॉस में आएंगे। फिर आएगा सेकंड जीनस बुबेलस, इसमें सारे बफेलो आएंगे,
बफेलो में भी टू टाइप्स की प्रजाति हमें देखने को मिलेगी, फर्स्ट रिवर स्पीसी, सेकंड स्वैम्प स्पीसी। तो जो रिवर प्रजाति होती है उनमें क्रोमोसोम 2 होते हैं, और जो कीचड़ वाली प्रजाति है स्वैम्प स्पीसी है उसमें 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये याद रखना है। फिर जो रिवर प्रजाति है वो एशियन कंट्रीज में पाई जाती है, और जो स्वैम्प बफेलो कीचड़ वाली प्रजाति है ये फिलीपींस, म्यांमार, कंपुचिया, थाईलैंड इधर पाई जाती है। और ब्रीड्स ऑफ स्वैम्प बफेलो की बात करें तो हालाबाओ सिग्नल है, ब्राजील का लाल, ब्राजील की काली, ये सारी हमारी कीचड़ वाली प्रजाति के ब्रीड्स है। फिर आएगा हमारा केप्रा, केप्रा में आएगी गोट, केप्रा हिरकस, इसका जूलॉजिकल है। फिर ओविस में आएगा भेड़ या सीप, जिसका जूलॉजिकल नेम होगा ओविस एविस। तो आर्टोडेक्टाइलन थ्री फैमिली कंसिडर की जाती है, जिसमें बोइडी फैमिली की अगर बात करें तो इसमें चार जीनस है, बॉस, बुडेलस, केप्रा, ओविस। स्वीडी फैमिली की बात करें तो इसमें एक ही जीनस है सूस, और इसमें दो तरह के आएंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स और एक डोमेस्टिक सुगर, डोमेस्टिक स्वाइन, और एक आएगा हमारा वाइल्ड स्वाइन। तो डोमेस्टिक जो सुगर है, पालने योग्य सुगर है सूस डोमेस्टिकस, उसका जूलॉजिकल नेम है, और जो वाइल्ड सुगर है सूस स्ट्रोमा। एंड थर्ड कैमेलिडी फैमिली में आएगा वंश जीनस कैमेलस, और इसमें आएंगे कैमल। अब कैमल भी टू टाइप्स के होते हैं, इंडियन या एशियन और यूरोपियन, वन हमको वाला है और टू हमको वाला है। तो जो इंडियन ऊंट है वो टू हमको वाला है, कैमेलस बैक्ट्रिनस। इंडियन लोगों को क्या पसंद है, बैक्ट्री, याद रखना बैक्ट्री मतलब दो, बैक्ट्रिनस। और ड्रोमेडेरियस ड्रम की तरह बड़ा ऊपर पाया जाता है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक, अब बात करें हम क्लासिफिकेशन में आगे, पेरिसोडेक्टाइला में अगली फैमिली इधर आएगा बेटा इक्विडी, और इक्विडी में जो जीनस आएगा वो इक्वस आएगा, और इसमें सारे आगे गधे, घोड़े और ज़ेब्रा, हॉर्स टंकी और एसेंस, हॉर्स इक्वस कैमेलस, गधा या एसेंस इक्वस एसिनस, और ज़ेब्रा इक्वस ज़ेब्रा, ये सारे के सारे इसमें कंसिडर किए जाएंगे पेरिसोडेक्टाइला। तो क्लासिफिकेशन की जो लास्ट यूनिट है वो स्पीसी, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो भी आपको मैं बताते चलता हूँ। लार्जेस्ट यूनिट किंगडम, किंगडम एनिमेलियन, फिर फाइलम, फाइलम कौन सा, कॉर्डेटा, क्यों रखा कॉर्डेटा में, क्योंकि उनमें बैकबोन होता है, ठीक है, वर्टिब्रीज पाए जाते हैं। फिर ऑर्डर, ऑर्डर अंगुलेटा, क्योंकि उगते एनिमल होते हैं इसलिए उनको अंगुलेटा में रखा। फिर उसको हमें सब ऑर्डर बांटा, पहला आर्कियोडेक्टाइला, दूसरा पेरिसोडेक्टाइला, आर्कियोडेक्टाइला इवन ग्रुप, पेरिसोडेक्टाइला में इवन ग्रुप नहीं होते, ऑड ग्रुप होते हैं, और नॉन रुमिनेंट होते हैं, अर्थात इनमें जुगाली की क्रियाएं नहीं होती। आपने कभी भी गधे घोड़े को जुगाली करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन इधर जो आप एनिमल देखेंगे ये अक्सर जुगाली करते हो आप देखते। फिर तीन फैमिली थी, फर्स्ट बॉयडी, सेकंड स्वीडी, थर्ड वन इज कैमेलिडी। एंड बॉयडी फैमिली कंसीडर्ड फोर जीनस, फर्स्ट इज बॉस, बॉस में हमारे सारे टेटल्स आएंगे, बुबेलस टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज हमने देखा उसमें, केप्रा एंड ओविस। स्वीडी में सूस, कैमेलिडी में कैमेलस। द पेरिसोडेक्टाइला फैमिली होगा इक्विडी, और वंश होगा इक्वस। अब जीनस और इस फैमिली में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फैमिली है कौन सा जीनस है, तो आप जस्ट ऐसे याद रख सकते हैं प्रिय विद्यार्थी, जब भी हम देखेंगे तो आईईडी दिखे आपको, अगर आपको क्या दिख जाए आईईडी दिख जाए, लास्ट में शब्द दिख रहा होगा जैसे कि आईईडी, जब भी आपको क्या दिखे लास्ट में आईईडी दिख जाए, यहाँ देखिए यहाँ पे आईईडी दिख रहा है, यहाँ पर आईईडी दिख रहा है, ये आईईडी दिख रहा है आईईडी, तो लास्ट में आपको आईडी ए दिखे वो सारा किसको डिनोट करता है फैमिली को, और उसके बाद जब आपको लास्ट में क्या दिखे एस 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 एस, जब एस दिखे तो सारा किसको डिनोट करता है जीनस को, वंश के लास्ट में एस आएगा, फैमिली के लास्ट में आई डी ई आएगा। फिर आपके मन में डाउट आया होगा कि सर केप्रा में तो एस नहीं, तो ये थोड़ा सा अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि अगर हम बात करें काऊ और बफेलो में और सीप में तो इसके जो हॉर्न होंगे वो कुछ इस तरह से होते हैं, और ये हॉर्न पूरा जो इसके ऊपर का कवर होता है वो आसानी से रिमूव हो जाता है, लेकिन केप्रा में अगर गोट की बात करें तो इसका जो हॉर्न होता है बिल्कुल सॉलिड होता है, आप देखेंगे इसका हॉर्न बिल्कुल इस तरह से सॉलिड होता है, ये आसानी से अलग नहीं होगा, ये पूरा हॉर्न ही अलग हो जाएगा, इस
इसलिए थोड़ा सा अपवाद है, और अपवाद होने के कारण इसके लास्ट में ये सब याद रखने के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अभी तक हमने जितना एनिमल देखा वो सारा आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एनिमल एनाटॉमी। अब एनाटॉमी की बात करें, विद स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, पशु की शरीर की रचना, और रचना को जब हम देखते हैं एनिमल तो टू टाइप्स का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एक तो जो हम बाहर बाहर दिखेगा उसे हम एक्सटर्नल एनाटॉमी कहेंगे, और जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे वो होगा इंटरनल एनाटॉमी। तो एनाटॉमी को यहाँ पर एनिमल की टू टाइप्स रखा गया है। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें एक्सटर्नल एनाटॉमी। एक्सटर्नल एनाटॉमी की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जिन्हें बाहर से देख पाएंगे, जिसमें पहला आएगा हेड, फिर आएगा नेक, फिर आएगा फोर क्वार्टर्स, फिर आएगा ट्रंक, फिर आएगा हिंड क्वार्टर्स, एंड लास्ट में टेल। दिस इज सिक्स पार्ट कंसीडर्ड इन एक्सटर्नल एनाटॉमी। सिक्स पार्ट आर कंसीडर्ड इन एक्सटर्नल एनाटॉमी। फर्स्ट वन हेड, सेकंड नेक, थर्ड फोर क्वार्टर, फोर्थ ट्रंक, फाइव हिंड क्वार्टर, एंड सिक्स टेल। अब इन छह के छह ऑर्गन को अभी हम डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम में पूरी तरह से देखने वाले हैं, पूरी एक एक अंग को पूरा डिटेल पढ़ने वाले, और वहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम वहां पर देखेंगे और डिस्कस करेंगे। फिर बात करें इंटरनल एनाटॉमी की, तो इसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज महत्वपूर्ण होती है, बोन्स एंड कार्टिलेज। अब बोन्स में कौन सा प्रोटीन होता है यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखना बोन्स में ओसिन प्रोटीन होता है और कार्टिलेज में कंड्रेट प्रोटीन होता है, और आफ्टर सम टाइम कार्टिलेज कन्वर्ट इन बोन्स। कुछ समय के पश्चात कार्टिलेज अर्थात उपास्थियां अस्थियों में बदल जाती है, और इस प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं। ऐसा हम आगे स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे तो और डिटेल पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज एलिमेंट्री एनाल। पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है तो हम बताना है एलिमेंट्री कैनाल आर नाल। थर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज ए लंग्स। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स इट इज एल्वियोलाई। सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन मेडुला ऑब्लिगेटा। ये सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद नर्वस सिस्टम, तो इसमें भी दो चीजें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम जिस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू मस्तिष्क है, उसी तरह से नर्वस सिस्टम भी पूरा बॉडी का सीपीयू है। फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट और वेसल्स, आर्टरीज और वेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सेलेटरी सिस्टम, जिसमें किडनी और ब्लैडर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जो नाइट्रोजन को हमारे यूरिन से अलग करने का कार्य करता है। मिल्क सेक्रेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, दुग्ध क्षरण तंत्र, तो इसमें ऑर्डर और ट्यूब्स की बात करेंगे। फिर लास्ट होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें टिट्स और ओवरी के बारे में पढ़ना है। तो एक सुपर व्यू है, इन सब ऑर्गन को हम पूरा एक एक सिस्टम को डिटेल पढ़ेंगे, पर अभी हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल एनाटॉमी की, और इन छह भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्सटर्नल एनाटॉमी में हमें छह भागों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो एनिमल एनाटॉमी को टू टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है, फर्स्ट है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। और एक्सटर्नल एनाटॉमी की बात करें तो हम उसमें मोटे तौर पर छह अंग देखने को मिलते हैं। इंटरनल एनाटॉमी में हमें आठ सिस्टम की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में एक्सटर्नल एनाटॉमी के बारे में। जैसे आपको सुंदर सी गाय माता दिख रही है, इट इज अ ब्यूटीफुल काउ इन व्हिच ब्रीड इट इज अ रेड सिंधी। रेड सिंधी गाय है। जब हम गाय को बाहर से देखेंगे तो बाहर से देखने पर हमें कौन कौन से अंग यहाँ पर दिखाई देंगे, तो जब हम देखते हैं तो सबसे पहला जो हमें दिखाई देगा ये लेग मोइस्ट पार्ट, अपर लेग पर लेग मोइस्ट पार्ट होगा, वो होगा नोफल। लेकिन अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन इन हॉर्स यहाँ पर पाया जाता है। घोड़े में अगर हम देखें तो यहाँ पर अपवाद स्वरूप हमें पाया जाता है, देखने को मिलेगा वो होगा मजल। घोड़े में अगर हम बात करें हॉर्स में यहाँ पर, तो अपवाद स्वरूप जब हम बात करते हैं घोड़े में, तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है वो होगा मजल, वो होता है मजल। याद रखना हॉर्स में यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो हॉर्स में यहाँ पर मजल होता है, इस चीज का हमें
ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देख मोस्ट पार्ट देखेंगे हम एनिमल्स के अपर लिप्स पर वो होता है मफल, और इसके ऊपर आपको पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखाई दे, और वो पानी की छोटी छोटी बूंदे वाटर ड्रॉप्स अगर दिख रही है तो एनिमल हमारा हेल्दी है, स्वस्थ है। और अगर ये वाटर ड्रॉप्स मफल और मफल से सूख रही है तो हमें पता लगता है कि हमारे एनिमल को डिजीज हो गया। अगली बात हम देखेंगे तो हमें लोअर जोन अर्थात निचले जबड़े के पास जो होगा वो कहलाएगा जोन या जबड़ा, और इसी से बनेगा एंगल ऑफ जॉ, गर्दन या गले या जॉ के साथ बनने वाला गले और निचले जबड़े के साथ बनने वाला जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ जॉ या जॉ ऑफ एंगल कहते हैं। फिर हम देखेंगे पशु में आगे तो बिटवीन टू हॉर्न प्रोमिनेंट पार्ट इज नोन एज, दो सींगों के बीच में उभरी हुई संरचना क्या कहलाएगी, तो इज अ पोल, इसको हिंदी में हम चांद भी कहते हैं। और ये सारे प्रश्न हेड के छह भाग पढ़ेंगे, उसमें पहला हेड के सारे भाग होंगे जो हमें एग्जाम में पूछे गए। फिर आएगा क्रिस्ट, इट इज ए अपर मोस्ट पार्ट ऑफ नेक, याद रहे ये शरीर का बॉडी का उच्चतम बिंदु नहीं है, इट इज ए अपर मोस्ट पार्ट ऑफ नेक, गर्दन का सबसे ऊंचा और उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, हमें बताना है क्रिस्ट। फिर क्रिस्ट के बाद हम देखें तो क्रिस्ट में नेक में एक जुगलर ग्रुप पाई जाएगी, जुगलर ग्रुप, उस जुगलर ग्रुप में बहुत महत्वपूर्ण शिरा पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट वेन प्रेजेंट होती है, उस वेन को हम कहते हैं जुगलर वेन, जैसे कि आपको ये दिख रही है। अभी जुगलर वेन क्या काम में आती है, जुगलर वेन की अगर हम बात करें तो जुगलर वेन से आईवी इंट्रावेनल अंतःशिरीय इंजेक्शन दिया जाता है, और जरूरत पड़ने पर ब्लड का सैंपल भी एनिमल्स समझेंगे तो वो जिस जगह लिया जाएगा वो होगी हमारी जुगलर शिरा, जुगलर वेन। उसके बाद जुगलर वेन के साथ ही एक आपको मांसल बॉडी लेदर की स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम डिग्लेप कहेंगे, और यह डिग्लेप टेम्परेचर को कंट्रोल करने के काम में आता है, एनिमल्स में डिग्लेप का क्या रोल है, यह टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ से बोले क्वेश्चन राइज होता है किन एनिमल्स में पाया जाता है, तो ये इंडियन एनिमल्स या देसी गाय की बात करें तो पाया जाता है, फॉरेन वाली जो गाय है उसमें नहीं पाया जाता, और फिल्म में भी नहीं पाया जाता, परंतु अल्प विकसित अगर पूछा जाए, ठीक है, अल्प विकसित वेलकम वर्ल्ड की बात करें, जिन्हें पूछा जाए किस बफेलों में होता है, तो आपको आंसर होगा जाफना नॉट। फिर हम बात करें कि पशु का सबसे मांसल उठा हुआ भाग या बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, तो वो होता है हम जिसे हम कूबर भी कहते हैं। फिर कूबर के ठीक नीचे जुगलर ग्रुप जैसे दिख रहे जुगलर ग्रुप के पास अगले पैर के पास कुछ मूवेबल पार्ट होता है, जब पशु चलता है अपना कंधा उठा कर, इसको हम देखेंगे इस उठे हुए भाग को हम कहते हैं विदर, और ये विदर बहुत महत्वपूर्ण काम की चीज है, क्यों, क्योंकि किसी भी पशु की जो ऊंचाई ली जाती है वो खून से लेकर भूप से लेकर कहां तक ली जाती है, विदर तक। फिर आएगा जिसके फोर लिंग्स के बीच में बिटवीन टू फोर लिंग्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम ब्रिस्केट कहते हैं, ये बफेलो में वेल डेवलप उसी के साथ लगा होता है चेस्ट एंड ब्रेस्ट। जी चेस्ट किस में कहा जाएगा, मेल एनिमल्स में चेस्ट, फीमेल एनिमल्स में उसी को हम कहते हैं ब्रेस्ट। और क्या काम में आता है, यह पशु के सीने की परिधि हार्ट बीट को मेजरमेंट करने के काम में आता है, और इस तरह से जो संरचना हमें दिख रही है इसे हम बोलते हैं नेवल प्लेट, नाभि पट्ट, और ये नाभि पट्ट नेवल प्लेट किन में एब्सेंट होता है, तो यह एक गाय की ब्रीड है हरियाणा, और बफेलो की एक ब्रीड है नागपुरी जिसे इंचीपुरी भी कहते हैं, उसमें नेवल फ्लैप नाभि पट्ट अनुपस्थित होता है। जितने भी अपवाद एक्सेप्शन है यहाँ से सारे प्रश्न हमें याद रखना। उसके बाद ऑर्डर और ऑर्डर से लगे होते हैं, उसके बाद ट्रंक का महत्वपूर्ण भाग हुआ ब्रेक, और ब्रेक के पीछे ही रहता है लॉइन, और लॉइन में पाए जाते सेक्रम या सेक्रम जिनकी संख्या के पास जैसा हम इंटरनल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। उसके बाद लॉइन और बुटक
और पिंग बोन तक फैला हुआ भाग लॉइन ट्रूप गुटर तक फैला हुआ भाग उठा हुआ भाग क्या कहलाता है ट्रूप कहलाता है लॉइन को शामिल करते हुए कवरिंग ऑफ लॉइन एंड उसका जो एक्सपेंडिचर होता है उसका जो फैलाव होता है गुटर पर होता है तो उठा हुआ पूरा हुआ क्या कहलाता है तो उसको ट्रूप कहते हैं प्रश्न भी आया हुआ है उसके बाद टेल सबसे अंतिम भाग नंबर 6 टेल के भी 5 पार्ट होते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल में कितने पार्ट होते हैं 5 होते हैं रूट ऑफ टिप बेस ऑफ टिप बॉडी ऑफ टिप स्विच ऑफ टिप और टिप ऑफ टेल इस तरह से 5 भाग हमें रूट के देखने को मिलते हैं या टेल के सॉरी टेल के 5 भाग हमें देखने को रूट ऑफ टेल बेस ऑफ टेल बॉडी ऑफ टेल स्विच ऑफ टेल और टिप ऑफ टेल इस तरह से हमें 5 भाग टेल के देखने को मिलते हैं फिर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है पशु के चारों पैरों में जब हम देखेंगे तो आपको दिख रहे हैं ये हॉर्न लाइक दिखाई देते हैं जिन्हें ड्यू टेल कहते हैं अब इस तरह के ये सारे प्रश्न जो हमें दिख रहे हैं ये बाहर से हम किसी भी एनिमल को देखते हैं तो इस तरह से हमें ये संरचनाएं देखने को मिलती है अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे अभी सारे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन परीक्षा में अभी तक पूछे गए वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अभी चलिए अब यहाँ से जो जो क्वेश्चन राइज हुए हैं मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ जैसे पोल या चांद की बात करें हॉर्स में इस तरह से बालों का गुच्छा पाया जाता है जहाँ पर चांद या पोल बफेलो काउस में दिख रहा है उसी प्रकार से हॉर्स में यहाँ पर बालों का गुच्छा पाया जाता है जिसे हम फोरलॉक कहते हैं लेकिन घोड़े में यहाँ पर चांद या पोल के स्थान पर फोरलॉक पाया जाता है फिर ये जो क्रिस्ट वाला भाग है जिसको घोड़े में अगर हम कहें जो क्रिस्ट वाला भाग है इसको अगर हम घोड़े में कहें तो घोड़े की अगर हम बात करें तो इसको मेन या आयाल कहा जाता है अगर हम घोड़े की बात करें तो इस भाग को घोड़े में गर्दन के ऊपर जिस तरह से हमें दिख रहा है जब हम हॉर्स को देखेंगे जैसे लॉन्ग हेयर रहते लंबे हेयर उस संरचना को घोड़े में मेन या आयाल कहा जाता है उस स्ट्रक्चर को घोड़े में मेन या आयाल कहा जाता है फिर एक और बहुत ऊंची बात की घोड़े से बात निकली है तो घोड़े के जब हम पैरों में देखते हैं हॉर्स के तो इस तरह से हेयर्स के गुच्छे रहते हैं जो साइबेरियन हॉर्स होते हैं उस तरह से हमें उसमें गुच्छे देखने को मिलते हैं जिसे आर्गट कहते हैं जिसे हम आर्गट कहते हैं तो आर्गट जो संरचना होती है वो किसमें पाई जाती है घोड़ों में पाई जाती है फोरला बालों का गुच्छा वो भी घोड़ों में पाया जाता है मेन या आया यह भी घोड़ों में पाया जाता है फिर एक चेस्टनट भी बहुत फेमस है बहुत समय पूछा जाता रहा है चेस्टनट के बारे में काफी बार पूछा जाता रहा है जब हम घोड़े के अगले पैर में घुटने के ऊपर नी के ऊपर और पिछले पैर में भी नी के नीचे देखेंगे तो एक इस तरह से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है और ये काफी सेंसिबल होता है ये सेंसिबल ऑर्गन होता है संवेदनशील होता है जिसे हम चेस्ट नट कहते हैं जिसे हम चेस्ट नट कहते हैं ये सेंसरी ऑर्गन होता है हॉर्स में जब हम इसको पुश करते हैं तो घोड़ा हमें पुश करता है यहाँ तक घोड़ा हमें लात मार सकता है ये सेंसिबल ऑर्गन होता है चेस्ट नट उसी प्रकार से आइनल क्रीट भी पाया जाता है जो जाइगेटिक प्रोमिनेंट वाला भाग होता है आंख के पास में पाया जाता है तो इस तरह से सारे क्वेश्चन जो एक्सटर्नल एनाटॉमी से पीएटी में पूछे जाते हैं वो सारे हमने यहाँ पर अभी चर्चा कर ली जितने भी क्वेश्चन एक्सटर्नल एनाटॉमी से आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं तो किसी भी गाय को देखने पर या बाह्य रूप से किसी भी बफेलो को देखने पर ये सारे ऑर्गन देखने को मिलेंगे जैसे कि हम पर नहीं होता है बफेलो को ध्यान रखना है विदेशी गाय में भी नहीं होता है अब जो अपवाद वाले क्वेश्चन थे वो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ अगर हम अपवाद वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये जो गलगम्बल वाली बात है ड्यूलेप वाली बात है ये जाफरावादी बफेलो में पाया जाता है और यह क्या काम में आता है टेम्परेचर का कंट्रोल करने के काम में आता है टेम्परेचर को मैनेजमेंट करने के काम में आता है किस बफेलो में पाया जाता है तो ये जाफरा बादी बफेलो है ये उसमें पाया जाता है
नेवल फ्लिप हरियाणा काउ में और नागपुरी बफेलो में पाया। तो इस तरह से दो तीन अपवाद है। फिर जो हमने अभी क्रिस मेन आरएल की बात की थी, घोड़े में पाया जाता है, लेकिन काउ और बफेलो की भी एक एक नस्ल है। काउ की सिरी नस्ल, काउ की सिरी नस्ल और भैंस की टोड़ा नस्ल, भैंस की टोड़ा ब्रीड और काउ की सिरी ब्रीड, इनमें भी मेन आधार पाया जाता है। पर मूलतः किसमें पाया जाता है हॉर्स में, इस हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल एनाटॉमी। तो थैंक यू, आज का हमारा यह लेक्चर यही समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप NGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का लाभ लेना चाहते हैं तो आप दिए गए पते पर संपर्क करें, ऑफिस में संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।